चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है और लगातार चांद की फोटो भी शेयर कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों के लिए आई बुरी खबर। भारत को हराने के लिए रूस ने अचानक से लॉन्च किया अपना मून मिशन, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने की मची ओढ़। इसी ओढ़ में भारत का चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के आपस में टकराने का खतरा आया सामने। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन है या भारत को नीचा दिखाने की कोई साजिश? दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 इस समय चांद के चौथे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और यह चांद पर उतरने के काफी नजदीक है। हम सभी भारतीय मिशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और इस उत्साह की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारा अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला है। जैसा कि हमें उम्मीद थी कि इस मिशन के सक्सेसफुल होते ही भारत चांद के इस इलाके में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, लेकिन हमारी इन उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि अचानक से बिना शोर शराबा किए ही रूस ने अपना अंतरिक्ष यान लूना 25 लॉन्च कर दिया है। साथ ही इसका प्लान अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद के दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान से पहले उतारने का है, यानी चांद के इस इलाके में सबसे पहले अपना झंडा गाड़ने का जो सपना भारत ने देखा था उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा चंद्रयान तो काफी दिनों पहले से अपने सफर पर निकला हुआ है, ऐसे में रूस का यह यान हमसे पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है? क्या एक ही जगह जाने पर दो मिशन आपस में टकरा जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस ने भी इसी समय अचानक से इस मिशन को क्यों लॉन्च किया, जबकि रूस ने चांद पर अपना पिछला मिशन 47 साल पहले भेजा था। क्या यह भारत के खिलाफ कोई साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं जीके दृष्टि यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता होगा, हमारे चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई के दिन चांद पर पानी की खोज करने के इरादे से उड़ान भरी थी और जब से यह मिशन लॉन्च हुआ है इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो पृथ्वी के ऑर्बिट को कंप्लीट करके और ट्रांसलूनर ऑर्बिट को पार करते हुए हमारा चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिटर में चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो की प्लानिंग के मुताबिक 16 अगस्त को चांद की पांचवी कक्षा पूरी करने के बाद इसकी डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर अपने रोवर और बाकी दूसरे उपकरण लेकर बड़ी ही सावधानी से 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर उतर जाएगा। अब उम्मीद तो सभी को यही थी कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश बन जाएगा और यह एक बहुत बड़े गर्व की बात होती। लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मॉस में भारत की उन उम्मीदों पर पानी फेरने वाला काम किया है। जैसा कि हमने बताया, रूस ने ना कोई ढोल नगाड़ा पीटे बल्कि बड़े ही शांति से अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च कर दिया है और रॉस कॉस्मॉस के प्लानिंग के मुताबिक उनका ये स्पेसक्राफ्ट चांद से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा। अब यह सब कैसे पॉसिबल होगा और क्या रूस ने सिर्फ भारत को पीछे करने के लिए मिशन लॉन्च किया है? यह जानने से पहले चलिए रूस के इस मिशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने अपना लास्ट लूना मिशन यानी लूना 24 आज से करीब 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद चांद की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल वापस पृथ्वी पर लाना था। इसके लिए लूना 24 के लैंडर ने चांद पर 18 दिन बिताए और सारे सैंपल कलेक्ट करने के बाद 6 सितंबर 1976 को वापस पृथ्वी पर लौट आया। रॉस कॉस्मॉस का यह मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इसके बावजूद 47 सालों तक उन्होंने अपना कोई भी मून मिशन लॉन्च नहीं किया और अब अचानक से उन्होंने अपना यह मिशन लॉन्च कर दिया है। लूना 25 मिशन की अगर बात करें तो इसने भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे रूस के स्पेस बोर्ड वास्तुक बोर्ड रूम से उड़ान भरी थी। इस अंतरिक्ष यान का कुल वजन 1.8 टन है और ये अपने साथ 30 किलोग्राम वजन के वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर सफर पर निकला है। रूस का लूना 25 मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत नहीं बल्कि रूस को बनना है और चांद की आंतरिक संरचना और सरफेस मटेरियल पर शोध करना और पानी की खोज करना होगा। इसके लिए चांद की सतह में करीब 6 इंच गहरा गड्ढा खोदकर वहां से सैंपल निकालना होगा और फिर उसमें जमे हुए पानी की खोज करेगा, जो कि चांद पर मानव जीवन के पनपने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने इन सभी कामों को अंजाम देने के लिए लूना 25 का लैंडर चांद पर करीब एक साल तक रहेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा, जबकि हमारे चंद्रयान 3 का मिशन सिर्फ 2 हफ्ते का होगा। अब बहुत से लोग के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि रूस का यह अंतरिक्ष यान हमारे चंद्रयान के लिए कोई बाधा तो नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों मिशन तकरीबन एक ही समय पर चांद के एक ही इलाके पर होने उतरने जा रहे हैं। इस पर रूस की स्पेस एजेंसी की तरफ से यह कहकर आश्वासन दिया गया है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत बड़ा है और उस पर सारी स्पेस एजेंसियां एक साथ एक ही समय पर अपने मिशन भेज सकती हैं। इसके अलावा रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनका यह यान 5 दिन के अंदर चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी 16 अगस्त को लूना 25 चांद पर पहुंच चुका होगा और इसके बाद 4 से 5 दिन चांद के ऑर्बिट में रहने के बाद यह चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लूना 25 हमारे चंद्रयान से करीब 1 या 1.5 दिन पहले चांद की सतह पर उतर चुका होगा। ऐसा करते ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले देश में रूस का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंद्रयान 3 से इतने दिनों बाद लॉन्च होकर भी लूना 25 इससे पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है। असल में नासा और रॉसकॉस्मोस जैसी स्पेस एजेंसी के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट काफी ज्यादा फास्ट और एडवांस होते हैं, जिसके चलते इन्हें चांद तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि रूस ने अभी इस समय ही अपने इस मिशन को क्यों लॉन्च किया है? क्या उसका मकसद भारत को पहले स्थान पर आने से रोकना है? अब अगर हम रूस से सवाल करेंगे तो वह कभी नहीं कहेगा कि इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे उसकी ऐसी कोई मंशा है। मगर इसका जवाब खोजने के लिए अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाए तो चीजें काफी हद तक साफ हो जाती हैं। फिर भी दोस्तों, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन रूस और अमेरिका का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है कि वह स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में हमेशा पहले नंबर पर रहना चाहते हैं। यहां तक कि 1951 से लेकर 1975 के बीच स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच मुकाबला भी लगा हुआ था। दोनों ही देश कुछ भी करके आगे निकलना चाहते थे। यहां तक कि इनकी सोच की वजह से बहुत से वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट्स और बहुत से बेजुबान जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इतिहास में इस इवेंट को स्पेस रेस का नाम दिया गया था। तब से ये दोनों देश इस फील्ड में खुद को सबसे आगे या कहें सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे में हमारा सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रूस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनने के लिए ही यह मिशन लॉन्च किया है। हालांकि इस मामले पर कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखा जाए तो रॉसकॉस्मोस ने मूल रूप से अपने लूना 25 मिशन को अक्टूबर 2021 के लिए प्लान किया था। बल्कि इतिहास में थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो पता चलता है कि ये मिशन अलग अलग कारणों के चलते करीब 25 सालों से डिले हो रहा था। यानी ऐसा नहीं है कि रूस ने भारत को पीछे करने के लिए ही अभी ताजा ताजा कोई मिशन बनाया है। यही वजह है कि इस मामले में खुले तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि रूस के प्लान में अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश नहीं बन पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या रूस ने यह रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए जानबूझकर इस समय लूना 25 मिशन लॉन्च किया है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।